हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हमने इसमें 2.2 तक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। हम कंटिन्यू कर चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 2.3, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं और आगे के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस है, तो इसका लास्ट 6 क्वेश्चन है। अ कार रन्स 18 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 2.16 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमें बताना है इसमें कि एक कार जो है वो 18 किलोमीटर 1 लीटर से चल जाती है, तो इतनी डिस्टेंस वो कितने लीटर पेट्रोल में कवर करेगी, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना पेट्रोल लगेगा। ठीक है, सॉरी, इतना पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है। हमने जो 2.3 एक्सरसाइज है, जो ये बेस्ड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी मल्टीप्लीकेशन बेस्ड ही होगा। तो हमें लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे कि वन लीटर पेट्रोल से एक चलती है 18 किलोमीटर। ठीक है, हमें नेक्स्ट देखना है 2.16 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर में इतना है, तो हम इस जितना लीटर है उसके अमाउंट से हम इसको डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.16 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर में 18 किलोमीटर, इतने लीटर में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.16 लीटर इज इक्वल टू, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना हमको। तो हम इसको चेंज करने के लिए करेंगे, हम 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 अपॉन 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 × 13/6, मतलब हमें 18 को 13 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड करना है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको अलग से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6 से हम 13 को भी डिवाइड कर सकते हैं या और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 13 को 6 से डिवाइड होगा नहीं, हम 18 को डिवाइड कर लेते हैं, ये चला जाएगा 3 टाइम। तो हमें मिलेगा यहाँ से 3 × 13, 3 को 3 से मल्टी 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 39 और डिस्टेंस है किलोमीटर। ठीक है, तो करना क्या है, फिर से देख लेना एक बार, 1 लीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, 2.16 लीटर इज इक्वल टू 18 से 1 किलोमीटर में जितना चल रही थी उसको हम लीटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 18 चल रही थी, तो इतने लीटर के लिए हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर, कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा हमारे पास 39 किलोमीटर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं, ये भी मल्टीप्लीकेशन पर भी बेस्ड है। सेली प्लांट्स 4 सेपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। सेली ने 4 बेबी प्लांट, सेपलिंग का मतलब बेबी प्लांट। ठीक है, बेबी प्लांट को वो प्लांटिंग करती है उसे गार्डन में, एक रो में। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेपलिंग्स इज 3/4 मीटर। ठीक है, 3/4 मीटर वो डिस्टेंस रखती है हर एक सेपलिंग के बीच में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग। सेली ने क्या किया, एक गार्डन के अंदर 4 बेबी प्लांट्स लगाए। ठीक है, एक रो में इस तरह से 4 बेबी प्लांट्स उसने लगा दिए। अब क्या किया, उसके बीच हर एक बेबी प्लांट के बीच में डिस्टेंस रखी है 3/4 की। ठीक है, और सब में इक्वल डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से इस बेबी प्लांट, ये जो फर्स्ट बेबी प्लांट है ये, और लास्ट वाला जो फोर्थ है, इन दोनों के यानी फर्स्ट और लास्ट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम देख लेते हैं डिस्टेंसेस कितनी है। यहाँ पर फर्स्ट, ये फर्स्ट होगी, सेकंड एंड थर्ड, मतलब 3 डिस्टेंसेस है, इक्वल डिस्टेंस 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखना है यहाँ पर डिस्टेंस, फर्स्ट लिखना डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 बेबी प्लांट, फर्स्ट 2 सेपलिंग्स इज इक्वल टू है 3/4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट
फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करेंगे हम थ्री डिस्टेंस से इक्वल थ्री डिस्टेंस से हम क्या करेंगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है। हमारे पास थ्री फोर इस टाइप से तीन बार डिस्टेंस आ रही थ्री फोर्थ एंड थ्री फोर्थ ठीक है। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी ये हमें मिल जाएगी। ये नंबरिंग लिखी है मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे थ्री इंटू थ्री फोर्थ तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट हम आंसर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई में बताया था फ्रैक्शन का रूल मैंने कि फ्रैक्शन में जब होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन अपॉन फोर। अब यहाँ पर जो आंसर आया है ये आप देखोगे तो ये फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं नाइन को फोर से ठीक है। डिवाइड करके देख सकते हो ठीक है और डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ठीक है। डिवाइड करूँगा मैं नाइन को फोर से ये जाएगा टू टाइम एट एंड वन तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे टू वन फोर ठीक है। एंड यूनिट किस में है कि डिस्टेंस है तो ये मीटर क्लियर। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन सोल्व करने थे। 2.3 इसी के साथ खत्म होते हैं। नेक्स्ट अपन 2.4 स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।